हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लर्न इजी इंग्लिश लैंग्वेज। हेलो गाइस, मैं आपका दोस्त मोहम्मद अबूजर। आज हम रेनबो क्लास 8 लेसन नंबर 14 द मैन हु गेव इंडिया विंग्स को देखेंगे। डू यू नो, क्या आप जानते हैं द नेम ऑफ द मैन, उस व्यक्ति के नाम को, हु गेव, जिसने दिया इंडिया विंग्स, हिंदुस्तान को पंख दिए। अब पंख से क्या मुराद है आगे जब हम पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे। इट वॉज, वो थे जहांगीर रतन जी दादा बॉय टाटा, उनका नाम जहांगीर रतन जी दादा बॉय टाटा था। ही वॉज पॉपुलरली नोन, वो आम तौर से जाने जाते थे या प्रसिद्ध रूप से जाने जाते थे एज GRD, इनका शॉर्टकट क्या था, GRD, इस नाम से वो मशहूर थे। ही वॉज बॉर्न, वो पैदा हुआ इन पेरिस में इन जुलाई 29, 1904 को ये पैदा हुए पेरिस में। His father, उनके पिताजी रतन जी दादा बॉय टाटा, उनका क्या नाम था, उनके पिताजी का नाम रतन जी दादा बॉय टाटा। वाज पारसी, ये कौन थे, पारसी शख्स थे। एंड मदर, और उनकी माँ थी सुजैन ब्रियर वाज फ्रेंच, वो कौन थी, फ्रेंच थी। टाटाज चाइल्डहुड, टाटा का जो बचपना था वाज स्पेंट, ख़त्म हुआ ट्रैवलिंग, यात्रा करते हुए बिटवीन फ्रांस एंड इंडिया, हिंदुस्तान और फ्रांस के बीच सफ़र करते हुए उनका बचपना ख़त्म हो गया। सम पीपल सेड, कुछ लोगों ने कहा इन जेस्ट मजाक में दैट कि ही गॉट हिज सरनेम, उसने अपना जो सरनेम उसका है उपनाम है फ्रॉम एन एंसेस्टर, अपने पूर्वज से पाया है। हु स्टूड, जो खड़े होते थे ऑन द शोर्स, समंदर के किनारे पर ऑफ बॉम्बे मुंबई में, एंड वेव्ड, और अपने हाथ को हिलाते थे टाटा टाटा कहते हुए टू डिपार्टिंग शिप्स, जब वहाँ से शिप जो जहाज़ पानी वाला था वहाँ से जब डिपार्ट होता था जाता था तो वहाँ उनके जो एंसेस्टर पूर्वज थे खड़े होकर टाटा कहते थे, इसी वजह से इनका नाम क्या पड़ गया है, जो इनका सर नाम है वो टाटा कहलाता है। ठीक है, जो ऊपर दिया हुआ जहांगीर रतन जी दादा बॉय टाटा। ठीक है, इन 1924 में एट द एज ऑफ 20 साल की उम्र में एज अ फ्रेंच सिटीजन, फ्रांस के नागरिक होते हुए ही वॉज रिक्रूटेड इन टू द फ्रेंच आर्मी, उन्हें फ्रांस की आर्मी में भर्ती किया गया। रिक्रूट कहते हैं नई भर्ती को सेना में। अ ईयर लेटर, एक साल बाद ही वॉज सेंट टू इंग्लैंड, उन्हें इंग्लैंड भेज दिया गया टू प्रिपेयर, तैयारी करने के लिए फॉर एडमिशन के लिए इन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए उन्हें तैयारी करने के लिए इंग्लैंड भेज दिया गया। बट हिज फादर, लेकिन उनके पिताजी रतन जी आस्क्ड हिम टू रिटर्न टू मुंबई, उनके पिताजी ने कहा मुंबई वो वापस चला है टू वर्क, काम करने के लिए इन हिज स्टील प्लांट, जो उनकी स्टील प्लांट की कंपनी थी कॉल्ड, जिसको कहा जाता था टाटा स्टील इंडस्ट्री, उसका क्या नाम था, टाटा स्टील इंडस्ट्री में आ जाए वो काम करे। हिज फादर, उनके पिताजी डिड नॉट कंसिडर, नहीं मानते थे अ कॉलेज डिग्री, एक कॉलेज डिग्री का होना नेसेसरी, ज़रूरी है टू सक्सीड इन लाइफ, ज़िंदगी में सफल होने के लिए। अ ईयर लेटर, एक साल बाद रतन जी डाइड, रतन जी का इंतकाल हो गया। हिज एल्डेस्ट सन, उनके बड़े पुत्र एंड एयर, ये एच जो है इसमें साइलेंट है, उत्तराधिकारी जहांगीर, वो कौन थे, जहांगीर थे, इनहेरिटेड, उत्तराधिकारी हो गए, विरासत में उनको चीज़ें मिल गई, द डायरेक्टरशिप ऑफ द टाटा सन्स एंड बोर्ड, और उन्हें डायरेक्टरशिप यानी निदेशक बनाया गया टाटा सन्स एंड बोर्ड का। जे आर डी हुए इंडियाज फर्स्ट, हिंदुस्तान के पहले लाइसेंस पायलट हुए इन 1929 को। इट वॉज GRD, वो GRD थे हु गेव, जिन्होंने दिया इंडिया विंग्स, हिंदुस्तान को पर, टू फ्लाई, उड़ने के लिए इन 1932 को, यानी उन्होंने एयरक्राफ्ट पहला 1932 में हिंदुस्तान को बनाकर दिया। जे आर डी ने स्टार्ट किया टाटा एविएशन सर्विस, उन्होंने एक टाटा एविएशन सर्विस उन्होंने स्टार्ट की। एविएशन कहते हैं एयरक्राफ्ट वगैरह जिसमें बनाए जाते हैं, उसकी स्टडी की जाती है, उसे कहते हैं एविएशन। बाय पायलटिंग, पायलट के द्वारा, द फर्स्ट फ्लाइट, पहली फ्लाइट, हिमसेल्फ, खुद, यानी खुद पहले मरतबा उन्होंने पायलटिंग की फ्रॉम कराची से टू बॉम्बे मुंबई तक इन अ स्मॉल एयरक्राफ्ट, एक छोटे से एयरक्राफ्ट में उन्होंने कराची से मुंबई तक पहली फ्लाइट उन्होंने खुद उड़ाई। JRD एट द एज ऑफ 34, JRD 34 साल की उम्र में वाज इलेक्टेड, चुने गए द चेयरमैन, उन्हें चुना गया
किसका? ऑफ टाटा एंड सन्स, टाटा एंड सन्स जो कंपनी थी उनके चेयरमैन चुने गए इन 1938 को। मेकिंग हिम द यंगेस्ट हेड, मेकिंग हिम यानी उनको बनाकर द यंगेस्ट सबसे छोटे उम्र में हेड जो क्या प्रधान थे ऑफ द लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल ग्रुप इन इंडिया, जो इंडस्ट्री थी क्या थी बहुत ही लार्जेस्ट सबसे बड़ी इंडस्ट्री औद्योगिकी थी समूह ग्रुप इन इंडिया हिंदुस्तान का, यानी ये जो औद्योगिकी समूह था सबसे बड़ा हिंदुस्तान का था लेकिन उसके जो हेड थे प्रधान थे वो सबसे छोटी उम्र के थे जो 34 साल के थे। इन 1948 में एयर इंडिया वॉज लॉन्च्ड, एयर इंडिया को लॉन्च किया गया यानी उसकी शुरुआत की गई जॉइंटली शामिल होकर किसके द्वारा, बाय जेआरडी एंड द इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट और जेआरडी दोनों मिलकर उन्होंने एयर इंडिया को लॉन्च किया। इन 1953 में जेआरडी वॉज मेड, जेआरडी को बना दिया गया द चेयरपर्सन, चेयरपर्सन ऑफ एयर इंडिया, एयर इंडिया का उन्हें चेयरपर्सन बना दिया गया। फॉर द नेक्स्ट 25 ईयर्स, 25 साल के लिए ही वर्कड, उन्होंने काम किया टायरलेसली बिना थके हुए टू मेक, बनाने के लिए एयर इंडिया सक्सेसफुल, एयर इंडिया को कामयाब बनाने के लिए उन्होंने 25 साल बिना थके हुए उन्होंने मेहनत की। जे आर डी एक्सेल्ड नॉट ओनली एज एन एविएटर बट आल्सो एज अ फिलैंथ्रोपिस्ट, एजुकेशनिस्ट, स्पोर्ट्समैन, पोएट एंड स्कल्प्टर, यानी जे आर डी एक्सेल्ड नॉट ओनली एज एन एविएटर, वो सिर्फ विमान चालक के रूप में अच्छे नहीं थे बट आल्सो वो और भी फील्ड में माहिर थे, एज अ फिलैंथ्रोपिस्ट वो मानवतावादी थे यानी इंसानों से मोहब्बत करने वाले थे, एजुकेशनिस्ट शिक्षाविद थे यानी शिक्षा को बढ़ावा देने वाले थे, स्पोर्ट्समैन खिलाड़ी भी थे, पोएट कवि भी थे एंड स्कल्प्टर मूर्तिकार भी थे। ही रिसीव्ड, उन्होंने पाया द हाईएस्ट, सबसे सर्वोच्च सिविलियन अवार्ड, नागरिक अवार्ड द भारत रत्न इन 1992 में उन्होंने भारत रत्न पाया फ्रॉम द इंडियन गवर्नमेंट, हिंदुस्तान के सरकार के द्वारा। जेआरडी का सबसे आखिरी मेजर सबसे बड़ा पब्लिक यानी जो उन्होंने पब्लिक यानी सार्वजनिक रूप से उन्होंने स्टेटमेंट जो उन्होंने कथन कहे थे जो उन्होंने भाषण दिए थे वाज एन अपील, एक क्या अपील थी, एक आग्रह थी टू इंडियंस हिंदुस्तानी लोगों से, वो क्या थी टू मेंटेन बनाए रखें पीस शांति कि हिंदुस्तान में क्या शांति को कायम रखे रहें। ही ब्रीद्ड हिज लास्ट ऑन November 29, उन्होंने आखिरी सांस 29 नवंबर को ली 1993 को, यानी उनका इंतकाल 29 नवंबर 1993 में हो गया। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, जेआरडी टाटा वाज नॉट ओनली द डायरेक्टर ऑफ द टाटा कंपनी, जेआरडी सिर्फ टाटा कंपनी के डायरेक्टर नहीं थे बट आल्सो उसके अलावा भी थे अ ग्रेट ह्यूमन बीइंग, एक महान व्यक्ति थे। ही मेड श्योर, उन्होंने निश्चित किया दैट कि 75% ऑफ कंपनीज प्रॉफिट, जो 75% कंपनी का मुनाफा है लाभ है वाज स्पेंट, खर्च किया ऑन लुकिंग आफ्टर, देखभाल करने के लिए द वर्कर्स, जो उनके वर्कर थे मजदूर थे एंड दोज इन नीड, और जो ज़रूरतमंद है उन पर 75% जो उनकी कंपनी का मुनाफा है वहाँ खर्च करवाया अपनी ज़िंदगी में और उसके बाद भी। वेन यू वर्क, उनका एक कथन है, जब आप काम करते हैं वर्क ऐसा काम करिए एज इफ, मानो कि एवरीथिंग हर एक चीज़ डिपेंड्स ऑन यू, आप पर निर्भर है, यानी जब आप काम करें ऐसा करें कि मानो कि हर चीज़ आप पर निर्भर है। व्हेन यू प्रे, जब आप प्रार्थना करें, प्रे ऐसा प्रार्थना करें एज इफ, मानो कि एवरीथिंग हर एक चीज़ डिपेंड्स ऑन गॉड, भगवान पर निर्भर है। जब काम करो ऐसा करो कि जैसे हर चीज़ आप पर क्या निर्भर है, और जब प्रार्थना करें भगवान से ऐसा करें कि जैसे कि हर चीज़ भगवान पर डिपेंड है, निर्भर है। ठीक है, चलिए आगे सवाल जवाब देख लेते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।